नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सांसद तपर गांव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग का मुद्दा। कहा, अरुणाचल के ज्यादातर जनजातीय लोगों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जवाब में कहा, योजनाओं की निगरानी के लिए विकसित किया गया है प्रभावी तंत्र। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने अरुणाचल स्काउट्स की दूसरी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनुजॉय भौमिक, सूबेदार मेजर ताशी गुरुंग और सिपाही मानी बुची को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। कहा, बटालियन ने अरुणाचल से लगे LSC पर तैनाती के दौरान दिया है अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्युत मंत्रियों, पावर डेवलपर्स और विभाग के आला अधिकारियों की हुई बैठक। अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने बैठक में कहा, निप्पो ने सफलतापूर्वक कामेंग जल विद्युत परियोजना को किया है और नाफरा जल विद्युत परियोजना, तवांग में न्यू मालिंग और कुरु जल विद्युत परियोजना का कार्य है प्रगति पर। सांसद तपर गांव ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर जनजातीय लोगों को सही मायने में नहीं मिल पा रहा है। अपने जवाब में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मंत्रालय ने अगले 5 साल की योजनाओं की निगरानी के लिए संबंधित राज्यों को शामिल करते हुए प्रभावी तंत्र विकसित किया है। Honorable Speaker Sir, Tribal Affairs Ministry से more than 13 schemes plus आपका Article 275 और TCA और 2SS इतना schemes दिया जाता है हर साल, लेकिन rural tribal area में आज तक tribal जनजाति जो है hand to mouth जिंदगी जी रहा है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, इतना पैसा आप रिलीज करने के बाद आपका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन आपका मिनिस्ट्री से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि मंत्रालय का एक अपना कार्यक्रम है जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजातीय के लिए। इसके साथ साथ ही सभी मंत्रालयों के साथ मिल करके जनजातीय क्षेत्र के कार्यों को कैसे हम सही ढंग से जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय लोगों के बीच में योजनाओं को कैसे पहुंचा, इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम अभी जो आगामी 5 वर्ष के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई है उसमें इसकी पूरी व्यवस्था की गई है कि राज्यों के साथ मिलकर के या केंद्र सरकार के जो सब प्लान प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के तहत यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करते हुए आगामी दिनों में इसको बेहतर तरीके से प्रभावी और ज़्यादा कैसे किया जाए ये सुनिश्चित किया जाए। पहले तो माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जहाँ कहीं भी अनुसूचित जनजाति के सदस्य रहते हैं, ट्राइबल रहते हैं, उनके लिए योजना बनाने के लिए किसी इस तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है कि वो नहीं बना सकते, बना सकते। लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, उसके आबादी की प्रक्रिया एवं संवैधानिक व्यवस्था की प्रक्रिया है, उसके तहत राज्य सरकार को यह सारी जो भी औपचारिकता है उसको पूरा करने की आवश्यकता है और उसी के आधार पर भारत सरकार निर्णय लेती है। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में अरुणाचल स्काउट्स की दूसरी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनुजय भौमिक, सूबेदार मेजर ताशी गुरुंग और सिपाही मानी बुची को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल स्काउट्स की दूसरी बटालियन ने अरुणाचल से लगे LSC पर तैनाती के दौरान अपनी अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट ने स्थानीय लोगों को मेडिकल मदद, मूल बुनियादी सुविधा और स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया है। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल स्काउट्स ने आउटरीच कार्यक्रमों के तहत राज्य की वीर नारियों और एक्स सर्विसमैन को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया है।
गुवाहाटी में आज पूर्वोत्तर राज्यों के विद्युत मंत्रियों, पावर डेवलपर्स और विभाग के आला अधिकारियों की आज बैठक हुई। नॉर्थ ईस्ट रीजनल पावर कमेटी के अध्यक्ष नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अरुणाचल के विद्युत मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि निप्पो ने सफलतापूर्वक 600 मेगावाट क्षमता की कामिंग जल विद्युत परियोजना को कमीशन किया है और 120 मेगावाट की नफरा जल विद्युत परियोजना, तवांग में 90 मेगावाट का न्यू मालिंग और 330 मेगावाट की कुरु जल विद्युत परियोजना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के पहले चरण में अगस्त 2022 तक 500 मेगावाट और अगस्त 2023 तक पूरी परियोजना को कमीशन कर दिया जाएगा। श्री मैन ने चापाखोआ रोइंग 132 केवी लाइन और खथालगुड़ी नमसाई 220 केवी डीसी लाइन की मंजूरी के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन लाइन में सुधार से जुड़ी परियोजना को त्वरित गति से पूरा कर रही है। शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने आज ईस्ट सियांग जिले के निगलोक में स्थित सैनिक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय के कर्मियों और कैडेट्स के साथ बातचीत की। श्री तेदिर ने सैनिक स्कूल के स्थायी भवन के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने कैडेट्स से अनुशासन के साथ शिक्षा और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने को कहा। श्री तेदिर ने बताया कि राज्य सरकार प्रत्येक APST कैडेट को वार्षिक छात्रवृत्ति के लिए 95,535 रुपये प्रदान कर रही है। वर्तमान में स्कूल में 10 बालिकाओं सहित 243 कैडेट्स हैं। सैनिक स्कूल के नियमों के अनुसार किसी खास महीने में जन्मे सभी छात्रों का जन्मदिन उस महीने में एक दिन सामूहिक तौर पर मनाया जाता है और इसी के तहत शिक्षा मंत्री ने मार्च महीने में जन्मे सभी 10 कैडेट्स के जन्मदिन में हिस्सा लिया। मैं आप यहाँ अरुणाचल के जितने भी बच्चे हैं, आप सबसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क्लास 12 में आप लोग एनडी में कम से कम यहाँ जितने भी बच्चे हैं 30-40% क्वालिफाई होना है, ठीक है। जो फर्स्ट बेस होगा 3 साल के बाद होगा, 3 साल एग्जाम 2025 में हम लोग को न्यूज़ पे देखना, मतलब देखना है कि अखबार में कहो, टीवी में कहो, हर सोशल मीडिया में कहो, अरुणाचल सैनिक स्कूल से कम 10 से ऊपर बच्चे क्वालिफाई होने हैं हिंदी में। अपने जोश के साथ पढ़ाई करना, खेल कूद भी फिजिकली भी करना और साथ ही साथ अपना गुरुजनों को रेस्पेक्ट करना। जो गुरु को रेस्पेक्ट करता है वो आगे बढ़ता है, जो गुरु को रेस्पेक्ट नहीं करता है वो नीचे रह जाएगा। इसलिए अपने गुरु है और अपने माता पिता को बिल्कुल रेस्पेक्ट करना, ठीक है। और साथ साथ पढ़ाई अच्छा करना, अच्छे इंसान बनना है। सिर्फ पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करना है, नॉलेज अर्न करना है और एक अच्छे इंसान बनना है। रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की मंजूरी दी है, जिसमें तवांग में एक सैनिक स्कूल की मंजूरी भी शामिल है। ये स्कूल देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल पार्टनरशिप मोड में स्थापित करने की सरकार की पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तवांग पब्लिक स्कूल को सैनिक स्कूल के रूप में मान्यता दी है। अनुमोदित नए स्कूल शिक्षण 2022 के पहले सप्ताह में खुल जाएंगे और इसमें प्रवेश के लिए अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह से आवेदन किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के विजन का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। रविवार को दुबई में एक संवाददाता द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर लोगों पर कम से कम पड़े। उसका प्रभाव दुनिया के बहुत सारे सेक्टर्स पे पड़ रहा है, उसमें से एक जहां पर भारत की निर्भरता रहती है कि दुनिया भर से क्रूड ऑयल को लाना, और ये केवल भारत में नहीं दुनिया भर में इसके दाम बढ़े क्रूड ऑयल के, और इसका इम्पैक्ट केवल भारत में दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ा है। दुनिया भर के देशों में देखा गया है कि तेल के दाम बढ़े हैं और इसके ऊपर
हम जो पहले कर सके जब आवश्यकता थी तब हमने वो कदम भी उठाए, केंद्र ने भी उठाए, भाजपा शासित राज्यों ने भी उठाए, लेकिन आज के समय जो स्थिति है वो भारत के अंदर के नहीं भारत के बाहर के कारण ये तेल के दाम बढ़ने पर मजबूरी हुई। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने रविवार को गुवाहाटी के रूपनगर में अरुणाचल गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य का जायजा लिया। श्री मेन ने कहा कि अरुणाचल गेस्ट हाउस का निर्माण उपयुक्त जगह में हो रहा है और यहां से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी के कई महत्वपूर्ण संस्थानों में आसानी से पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस भवन का निर्माण कार्य आगामी सितंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने युवाओं की प्रतिभा की पहचान, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और समय पर प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर अरुणाचल आइडल 2022 के ग्रैंड फिनाले का वीडियो शेयर करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि तवांग में आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की युवाओं की गायन प्रतिभा को देख कर गदगद हूँ। मैंने कभी भी इस तरह का इंडियन आइडल का कार्यक्रम अटेंड नहीं किया, लेकिन मुझे बताया गया कि हमारा अरुणाचल आइडल 4 सीजन हो चुके हैं और 5वां है, और मुझे बुलाना आया मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने भी मुझे कहा कि आप जैसे थे आने से अच्छा है। तो मैं आज कहना चाहता हूं, मैं फर्स्ट टाइम अरुणाचल आइडल का कार्यक्रम अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे अरुणाचल का जो टैलेंट है वो टैलेंट को देख करके मुझे गर्व होता है कि हमारे अरुणाचल के युवाओं में बहुत हुनर है, बहुत जज्बा है और आगे बहुत शाइन करने का क्षमता रखता है। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को वे सियांग जिले के दोनी पोलो कॉलेज के वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से सरकार के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सहयोग की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के गांगखू सुमियान की शॉर्ट स्टोरी लोकल को 2021 की बेस्ट एशियन शॉर्ट स्टोरीज के रूप में चयनित किया गया है। उनकी इस स्टोरी को सिंगापुर के पब्लिशर्स किताब ने प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिंगापुर के जाने माने प्रकाशक किताब में गांगखू सुमियान की प्रकाशित कहानी लोकल को बेस्ट एशियन शॉर्ट स्टोरीज के रूप में चयन पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि इससे राज्य के उभरते हुए साहित्यकारों को प्रेरणा मिलेगी। ईटानगर के आईजी पार्क से लगे सी सेक्टर में आज आग दुर्घटना में 5 सरकारी क्वार्टर जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सत्यमूर्ति के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 28 मार्च 1943 को हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी के एक अग्रणी कार्यकर्ता सत्यमूर्ति मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारत रत्न के कामराज को गढ़ने वाले माने जाते हैं। सत्यमूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1887 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ था। पेशे से वकील सत्यमूर्ति बहुत छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। बाद में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए।
1919 में कांग्रेस ने उन्हें ब्रिटेन में रॉलेट एक्ट और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों का विरोध करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। सत्यमूर्ति, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। 1930 में उन्हें मद्रास में एक मंदिर पर तिरंगा फहराने की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यमूर्ति ने 1937 में मद्रास विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 में वे मद्रास के मेयर बनाए गए। महापौर के रूप में काम करते हुए उन्होंने शहर में पानी की कमी दूर करने के लिए बूंदी जलाशय का निर्माण करवाया। विभिन्न समाजसेवी संगठनों के स्वयं सेवकों की मदद से शहर के लिए सौंदर्यीकरण योजना लागू करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल भेज दिया गया। जेल का कठोर जीवन उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ा और 28 मार्च 1943 को उनका निधन हो गया। सत्यमूर्ति एक जन नेता थे जो हमेशा आम जन के हितों के लिए काम करते रहे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति को हमारा भावभीना नमन। राज्य सरकार देखो अपना देश के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। पाके केसांग जिले का मुख्यालय लिम में प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए उपयुक्त जगह है। पाके केसांग जिले के गठन के साथ ही बुनियादी सुविधाओं के विकास से अब पर्यटकों को इस जिले का भ्रमण करने के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल दीदी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।